इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज हम देखेंगे टो लाइन कैसे फाइंड आउट करते हैं जब कर रोड का कंस्ट्रक्शन होता है या फिर रेलवे का प्रोजेक्ट चलती है तो उसमें टो लाइन का मार्किंग कैसे देखना है, एम्बैकमेंट का, सबग्रेड का, वो आज हम देखेंगे, इजीली तरीके से फाइंड आउट करेंगे एंड टेक्निकली तरीके से भी। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू कैलकुलेट टो लाइन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड एंड रेलवे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह हमारा फॉर्मेशन विड्थ बी। ठीक है, फॉर्मेशन विड्थ का ये हमारा सेंटर, इसको मैंने सपोर्टेड माना है सेपरेटर या फिर मेडियन भी बोल सकते हैं, मेडियन। ठीक है, ये कैम्बर है हमारा जो पेमेंट पे दिया जाता है जो स्लोपिंग में होती है, रोड को, पेमेंट को पानी से डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, जिसको कैम्बर बोला जाता है, पानी सिपेज ना हो इसके अंदर में, पेमेंट के अंदर में, इसके लिए कैम्बर डाला जाता है। ठीक है, मनी कैम्बर मोस्टली प्रोवाइडेड 2 to 2.5% दिया जाता है। ये हमारा साइड स्लोप है जो 1:2 है। ठीक है, ये साइड स्लोप है। ठीक है गाइस, इतना समझ में आ रहा है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब इसका टो निकालना है। ठीक है, सपोर्टेड मान लेते हैं हम इम्बैकमेंट, ये इम्बैकमेंट है हमारा जो फाइनल लेयर में है, ये इम्बैकमेंट है जो फाइनल लेयर में है। अब इसका टो निकालने के लिए कैसे करना है कि हमारा टो ऊपर हमारा जो आएगा फॉर्मेशन विड्थ जो हमारा फाइनल कैरिज वे होगा वो मैच करेगी। सपोर्टेड मान लीजिए हमारा कैरिज वे का विड्थ है 11 मीटर। ठीक है, इसमें हमारा पेव्ड शोल्डर भी आएगा, अनपेव्ड शोल्डर भी आएगा, मीडियन भी आएगा, ऑल डेट हमारा 11 मीटर है। ठीक है, इम्बैकमेंट, इम्बैकमेंट का ये टॉप लेयर है, इसको हम निकालना है हमारा टो लाइन। टो लाइन हमारा, टो मींस डेट फ्रॉम हेयर टू हेयर कितना विर्थ होगा, कितना विर्थ में मिट्टी डालें कि हमारा ऊपर जाकर इम्बैकमेंट का टॉप हमारा अकॉर्डिंग टू डिजाइन लेंथ, अकॉर्डिंग टू डिजाइन लेंथ ऑफ द फॉर्मेशन विर्थ का मैच करेगा। ठीक है, तो एक मैं इजी फॉर्मूला बता रहा हूं, इसको माइंड में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। सपोर्टेड हमारा इम्बैकमेंट का टॉप लेवल जो है वो 102.00 मीटर है। ये टॉप लेवल का आरएल है, आरएल मींस रिड्यूस लेवल है, और ओरिजिनल ग्राउंड लेवल जो है उसका जो लेवल है हमारा 100.00 मीटर है। कुछ भी हो सकता है साइड पे, मैंने एक एजुमिनेशन दिया है। ठीक है, एज्यूम किया है। ठीक है, अब इसका जो डिफरेंस है मींस डेट ये थिकनेस कितना है, 102 - 100 = 2 मीटर। ठीक है, ये जो हमारा थिकनेस है 2 मीटर का, ये डेप्थ है, हाइट है। ठीक है, ग्राउंड लेवल टू एम्बैकमेंट टॉप तक। अब इसको हमको निकालना है टो लाइन, टो लाइन कितना होगा फ्रॉम सेंटर। ठीक है, सेंटर टू हेयर एंड सेंटर टू हेयर। ठीक है, ये देखते हैं। तो मुझे थिकनेस मालूम हो गया 2 मीटर है, 2 मीटर का ये डाला हुआ है थिकनेस, हाइट। ठीक है, ग्राउंड लेवल टू एम्बैकमेंट टॉप। तो एक फॉर्मूला माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, जो ये है डेप्थ, डेप्थ डिवाइडेड बाय साइड स्लोप। साइड स्लोप हमारा कितना है, 1:2 मीन्स 1/2 माइनस कैम्बर। कैम्बर कितना हमारा 2 to 2.5%। नॉर्मली कैम्बर 2.5% दिया जाता है, मैंने लिया 2.5%। ठीक है, प्लस में हाफ ऑफ द फॉर्मेशन विड्थ। ठीक है, हाफ ऑफ द फॉर्मेशन विड्थ कितना हमारा, सपोर्टेड इम्बैकमेंट का हमारा जो फॉर्मेशन विड्थ है वो है हमारा 13 मीटर, 13 मीटर मीन डेट 26 मीटर। ठीक है, सेंटर टू एज 13 मीटर एंड सेंटर टू एज 13 मीटर, टोटली 26 मीटर। ठीक है, तो हाफ ऑफ द फॉर्मेशन विड्थ कितना होगा एम्बैकमेंट का, 13। ठीक है, डेप्थ हमारा कितना है गाइस, 2 मीटर। ठीक है, 1 / 2 = 0.5, 2.5% मीन दैट 2.5% = 0.025। ओके, 0.025 प्लस में
हाफ ऑफ द फॉर्मेशन विड्थ ऑफ द एम्बैकमेंट टॉप। इस कैलकुलेशन को गाइज हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा कितना आएगा 17.21 मीटर्स। मीन दैट हमारा जो टो लाइन होगा एम्बैकमेंट टॉप का, टो लाइन एम्बैकमेंट का जो टो आएगा वो हमारा सेंटर से 17.21 मीटर इधर और 17.21 मीटर यहाँ आएगा। ठीक है, ये बहुत इजी फंडा है, टेक्निकली फॉर्मूला है, इसको माइंड में रखिए। बहुत सारे सर्वेयर क्या करते हैं टो लाइन निकालने के लिए 2D + B, दिस इज अ नॉट एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द टो लाइन ऑफ द एम्बैकमेंट एंड सबग्रेड। ओके, ये फॉर्मूला को याद रखिए एंड इस पे रिड्यूस लेवल चेंज हो सकता है, केम्बर चेंज हो सकता है, साइड स्लोप चेंज हो सकता है, लेकिन इस फॉर्मूला को याद रखिए, इस पे पुट करिए, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा एंड एग्जैक्ट मैच करेगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वीडियो को बस हम यहीं पे खत्म करते हैं। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए।